हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट हमने वीडियो में जहाँ तक डिस्कस किया था उसी से ही आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस किए थे, आज उसी में ही थोड़ा आगे लेके चलते हैं। इफ़ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, शो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसमें हमें दिया है कि अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है तो टेन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आप इसमें एक चीज़ समझिए, जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमेशा यहाँ पर एक की एक रेशियो की वैल्यू दी रहती थी और कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्टेटमेंट की वैल्यू पूछता था। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया और देन उल्टा वापस रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ज़्यादातर हम जो रेशियोज के फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पता है 1 होता है, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन रेशियोज हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना ये 3 है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है ना, तो हम कोशिश करते हैं इसको ये वाली आइडेंटिटी बनाने की। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको ना ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर देन उसके बाद प्लस इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस प्लस 3 कॉस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया, 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कैसे किया, 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दिया और 3 साइन स्क्वायर अलग कर दिया, और ये 3 कॉस वैसे ही, वो इसलिए किया ताकि मेरा सॉल्यूशन में मतलब जो 1 बन सके। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसमें से मैं इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और उसके बाद 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रखते हैं, और 4 प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये वाला 4 अपॉन में ले जा लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद साइन स्क्वायर हमारे पास आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन में 1/4 किस की वैल्यू रहती है। ठीक है, अभी मैं इसका टेबल भी समझा दूंगा। साइन स्क्वायर में 1/4 जो वैल्यू होती है वो आपका रहती है साइन 30 की, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा मिलने के बाद अब क्या करना है आपको, थीटा मिल गया ना, तो उसके बाद बस देखो LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारा था 10 थीटा, तो इसमें थीटा की वैल्यू डाल दो, तो 10 कितना हो गया 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं, और अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने का तरीका होता है, तो उसको देखेंगे बोर्ड पर। अब स्टूडेंट्स, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर थीटा लिखा है, देन उसके बाद हमारे पास है साइन थीटा, देन उसके बाद है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में है कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने एंगल्स भी लिखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे जो पहला इसका बेसिक स्टेप है कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन थीटा रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 0, 1, देन उसके बाद 2, ये 3 और ये 4, देन ऑल डिवाइडेड बाय 4, देन ऑल डिवाइडेड बाय 4 एंड रूट ओवर ऑल द वैल्यूज। आई बात समझ में, क्या करा मैंने, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है
जीरो वन टू थ्री फोर काउंटिंग लिखनी है एंड देन ऑल द वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय फोर जीरो फोर 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 और देन सबका रूट ओवर ठीक। इतना करने के बाद अब इनसे हम वैल्यू देखते हैं क्या क्या एक्सट्रैक्ट होती हैं। जीरो अपॉन समथिंग आपको पता है जीरो होता है, वन अपॉन फोर का अंडर रूट वन बाई टू, इसको कैंसिल कर लेंगे टू वन जा टू 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 जा फोर तो सॉल्व करके ये आ जाएगा वन बाय रूट टू और इसका रूट थ्री का रूट थ्री, फोर हमें पता है टू का अंडर रूट होता है ठीक। उसके बाद फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन, तो यानी कि साइन पढ़ेंगे कैसे इसको, साइन थीटा यानी साइन 90 की जो वैल्यू है वो वन हो जाएगी ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा अगर आपको, ये तो पहली लाइन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, बाकी ये इजीली निकल जाती है कैसे। अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो क्या करना है, इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल इन द सेंस उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इनको, तो वन यहाँ पे लिखेंगे हम, देन उसके बाद रूट थ्री बाई टू यहाँ पर, ये वन बाय रूट टू यहाँ लिखेंगे, ये वन बाय टू इसके नीचे और जीरो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा की जो का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेसिक फॉर्मूला ये, इसी से ही हम पढ़ते हैं देखेंगे। अगर मैं साइन अपॉन कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा मिलेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डिवाइड करते हैं जीरो अपॉन समथिंग, याद रखना है जीरो अपॉन समथिंग हमेशा जीरो होता है, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय रूट थ्री, यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करोगे पूरे से पूरा कैंसिल तो वन, देन उसके बाद इससे इसको डिवाइड करोगे टू से टू कैंसिल तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री, और उसके बाद वन को जीरो से डिवाइड करोगे तो याद रखना है आपको इन्फिनिटी मिलेगा, कितना नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन ठीक है। इतना करने के बाद हमें निकालनी है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू को निकालने का तरीका है फिर से आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे इसे ठीक है। रिवर्स करोगे तो इसका उल्टा, ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा फिर रूट थ्री यहाँ आ जाएगा, वन अपनी जगह पे, ये वन बाई रूट थ्री यहाँ और ये जीरो। अभी तक हमने किस किस को रिवर्स किया, एक तो हमने कॉस थीटा, इसके आगे मैं आर लिख देता हूँ, और इसको भी हमने रिवर्स किया है तो आर लिख दिया मैंने उसके आगे ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना है सेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेक थीटा जो होता है हमें पता है कॉस थीटा का उल्टा है तो इसलिए हम कॉस थीटा की वैल्यूज को एडजस्ट क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो वन का उल्टा तो आपको पता है रेसिप्रोकल वन ही होता है, इसका उल्टा कर लो टू बाय रूट थ्री, फिर इसका उल्टा कर लेते हैं रूट टू अपॉन वन यानी रूट टू, इसका उल्टा टू, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा कि जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ। हमें पता है जीरो को हम लिखते हैं जीरो अपॉन वन, और जीरो अपॉन वन का अगर मैं उल्टा करूँ तो वन अपॉन जीरो यानी कितना हो जाएगा ये इन्फिनिटी, क्लियर है। जीरो को हम लिखते हैं जीरो अपॉन वन, इसका उल्टा किया मैंने वन अपॉन जीरो और फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी ठीक है। तो याद रखना है जीरो का उल्टा सीधे सीधे इन्फिनिटी। अब लास्ट बचा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को निकालने के दो तरीके हैं, पहला या तो आप साइन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर लो या फिर इसको इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मैंने आर लिख दिया आगे तो इसका कॉसेक थीटा में उल्टा हो जाएगा ये इन्फिनिटी, देन उसके बाद ये टू, ये रूट टू अपनी जगह पर ही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और लास्ट में ये वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए ये पूरा टेबल एक तरह एक बार तैयार हो गया हमारे पास ठीक है, देख सकते हैं इसको आप एक बार ठीक है। अब स्टूडेंट्स इतना करने के बाद ये हमारा पूरा टेबल बन चुका है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं तो बोर्ड पे देखेंगे ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। अब इसको हम ट्रेडिशनल तरीका, तो जो मैंने आपको एक सिखाया कि आप सबसे पहले कॉट थीटा है यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाओ, उसके थ्रू सारी वैल्यूज निकालो, फिर साइन कॉस और सबकी वैल्यूज निकाल के फिर इसमें पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो। अब हम दूसरा तरीका यूज करेंगे जिसमें हम सीधे सीधे फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे और पहले इसको जितना हो सके रिड्यूस करेंगे ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। इसमें यहाँ से दिख रहा है कि टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वन प्लस साइन थीटा, ये वन माइनस साइन थीटा हमारे पास ऐसी रहेगा और अपॉन में ये वन प्लस कॉस थीटा ऐसी रहेगा। हम इसमें से टू कॉमन ले सकते हैं तो टू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसे ए मान लेते हैं इसे बी मान लेते हैं इसे ए और इसे बी ठीक। इतना करने के बाद a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी सेम वैसे बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना। अब ए की फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम, क्या करते हैं इसमें हम, देखो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, इज इक्वल टू हमारे पास रहता है यहाँ पे वन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ से, तो चाहो आप इसको उधर भेज लो, इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस, क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर, ना मैंने साइन को इधर भेज दिया तो वन माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो जस्ट उसका उल्टा हो गया ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन हमें पता है क्या होता है कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर कॉट की वैल्यू में कितनी दी है 15/8, और 15/8 का बस अब आपको स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 264। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इससे आप जो बड़े क्वेश्चंस हैं इसके वो जल्दी सीखेंगे, ठीक है आगे देखेंगे। अब स्टूडेंट मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, भले ही एक मार्क्स का पर है इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो करना कैसे है जरा वो समझेंगे, ठीक है। अलग अलग बुक्स में ना इसके अलग अलग सॉल्यूशन है, तो जो सबसे इजी सॉल्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, आपको गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों अगर आपस में बराबर है तो प्रूफ करो कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे बराबर। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसने ना सबसे पहले क्वेश्चन मेंशन किया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट हैं, तो राइट एंगल बना लेते हैं, ए और बी एक्यूट है तो ऑब्वियस है 90 डिग्री की पे क्या बनेगा राइट ट्रायंगल बनेगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं हम। सबसे पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए से अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए से देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा हो गया यहाँ पर कौन, बेस हमारा हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा ए बी, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं, दूसरा एंगल था मेरा कौन सा कॉस बी, अब बी से देखना है, तो बी से अगर देखूंगा तो क्या सिर्फ चेंज होगा, बेस ये हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा इस बार कॉस बी से बी सी अपॉन ये हो जाएगा आपका ए बी। अब आपको गिवन था, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू किसके बराबर था कॉस बी के, कॉस ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, कॉस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इम्प्लाइज दैट यहाँ से मिल जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी दोनों मिल गए। अब हम इसमें एक नाइन्थ क्लास की थ्योरम लगाते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब साइड आपकी इक्वल होती है तो उन पर बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। जैसे AC का ऑपोजिट एंगल, AC की साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखें, AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है B, तो AC के नीचे लिखेंगे B, मतलब AC, अगर मैं AC हूं तो AC के सामने जो एंगल होगा वो लिखना है आपको इसके नीचे, AC के सामने वाला एंगल B, और BC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, BC के सामने एंगल A, इस तरह से। तो देखिए आपका प्रूफ हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम और भी देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने एक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरिएबल्स की फॉर्म में, ठीक है, इसको हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक उसका फॉर्मूलों का यूज़ किए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का या राइट ट्रायंगल का बिना यूज़ किए पीजीटी लगाए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो वही ट्रेडिशनल जो इसमें आप टेन थीटा दिया पीजीटी लगा के साइन कॉस की वैल्यू निकाल के पुट कर दे तब भी आंसर आ जाए, पर हम बिना उसके लगाए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको टेन थीटा दिया और यहाँ पर साइन और कॉस में दिया हो तो डायरेक्ट ये कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू गिवन है, तो सीधे इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ये LHS साइड जो दी है इसी को कंसिडर करते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। आपको करना क्या है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर यानी NUM एंड डिनोमिनेटर बाय साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, ठीक है जी। अगर मैं इसे कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं तो देखो यहां पे होगा क्या, ए साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा आएगा,
फिर यहाँ पर बी कॉस थीटा के अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा फिर प्लस बी कॉस थीटा के अपॉन में भी क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, ये कॉस से कॉस गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टेन थीटा माइनस बी अपॉन में हो जाएगा ए, साइन अपॉन कॉस पता है ना हमें क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का भी। तो देखो क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हो गया ना टेन में कन्वर्ट, ऐसा करने के बाद बस आप इसमें टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दे, टेन थीटा हमारे पास था ए अपॉन बी माइनस बी, और ऐसी ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, क्लियर है। इसके बाद हम इसका यहाँ से देखेंगे, इसके बाद हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको पता है एलसीएम बी आएगा, बी अगर एलसीएम है तो ए की ए से ए स्क्वायर, और इसके अपॉन में वन लगा लेते हैं, तो वन की बी से करोगे, बी की बी से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ऐसे ही नीचे भी इसका एलसीएम ले लेते हैं, बी आ जाएगा ए की ए से ए स्क्वायर, और बी के अपॉन में वन लगाओगे, बी की बी से मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा आरएचएस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, ठीक है। और साथ साथ हम एनसीईआरटी की वर्कशीट को भी आगे करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।